हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज में बैक नेक गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को लिया है और ब्लाउज की कटिंग हमने पहले से ही कर रखी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। और हमारे यहाँ कई दिनों से बारिश हो रही, तो मैंने बाहर रख के सिलाई करी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 10 इंच, तो 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस तरह से डिजाइन का शेप देंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर अत्तर वाले पल्ले को रखेंगे, बिल्कुल बराबर रख लेना है। और यहाँ पर इस तरह से गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को लगा लिया है, अब हम यहाँ पर इस तरह से बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद हमें इसको अच्छे से सीधा कर देना है और इसमें क्या करेंगे, दाग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे गले में दाग सिलाई को लगा लेना है। आप लोग देख सकते हैं हमने गले के ऊपर दाग सिलाई को लगा लिया है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पट्टियाँ ली हैं चौकोर, लंबाई चौड़ाई हमारी इसकी 3 इंच है। फिर हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। दूसरी पट्टी लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, फिर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर तीसरी पट्टी लेंगे, तो इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से चौथी पट्टी को भी हमें फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन बनाई है, सेम इसी तरीके से इस वाली पट्टियों को भी डिजाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से डिजाइन बनाई है, तो इनको साथ में रखते हैं। और यहाँ पर हमें पल्ले को लेना है, तो पल्ले को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है, नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें नीचे की साइड डिजाइन को सिल लेना है, ठीक है। तो पल्ले को हमें कुछ इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर हमने जो डिजाइन बनाई थी तो उनको देखिए कुछ इस तरह से रखेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो वहीं पर इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी डिजाइन को भी हम यहाँ पर बराबर में रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो एक निशान से जो हमारा दूसरा निशान आए वहाँ तक हम इस डिजाइन को सिल लेंगे, ठीक है।
कुछ इस तरह से आई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर दोनों साइड से निशान लगाएंगे और इसमें हम एक डिजाइन और बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे, तो धागे में हमें एक तरह से नॉट लगा देनी है और यहाँ पर एक मैंने सीधी पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई हमारी यहाँ पर 1.5 इंच है, तो उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर धागे को रख लेना है। फिर हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें पहले 2-3 बार सिलाई लगानी है और इसको घुमाकर एक पॉइंट पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर इसको ऊपर से बांध लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमें हल्के हाथों से इसको सीधा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डोरी को सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो लंबाई में हमें 4 इंच की डोरी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, मैंने 3 डोरी कटिंग करी हैं और सेम इसी तरीके से मैंने और सारी भी डोरी कटिंग करी है। तो इसमें हमें कुछ इस तरह से डिजाइन को बनाना है। पहले हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी डोरी की मदद से कुछ इस तरह से डिजाइन बनी है। फिर हम यहाँ पर दूसरी डोरी लेंगे, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार हमें और फोल्ड कर देना है। देखिए इसको इस तरह से घुमाकर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो डोरी की मदद से हमने यहाँ पर 2 डिजाइन बनाई हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर तीसरी डोरी को लेंगे और इसमें भी हमें डिजाइन बना लेनी है। इसको कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 डिजाइन को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितनी सारी हमारी जो डोरी है इनमें डिजाइन को बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से डोरी की मदद से डिजाइन को बना लिया है। देखिए इस तरह से, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्लाउज में सिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको साथ में रख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को हमें सीधा रखना है। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से डिजाइन को रखेंगे, जो हमारी डोरी वाली डिजाइन है तो उसको इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिजाइन को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर लेस को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की लेस को लिया है, तो लेस को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे सीधी साइड से और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो लेस अपनी पसंद की भी ले सकती है।
एक सिलाई लगा दी है, इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी डिजाइन है इसमें मोती सिलेंगे। तो सेम कलर का हमने धागा लिया है और धागा हमें मजबूती से डबल लेना है। तो उल्टी साइड से हम इसको कुछ इस तरह से रखेंगे और सीधी साइड से हमें मोती को इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, बिल्कुल टाइटली हम इसको सिलेंगे, इससे जो हमारा मोती है वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक डिजाइन पर मोती को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी डिजाइन पर भी मोती को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी डिजाइन पर भी मोती को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरी डिजाइन पर भी मोती को सिलेंगे। ठीक है, मोती को सिल लिया है। और यहाँ पर हमारी जो डोरी वाली डिजाइन है तो इसके बीचों बीच भी हमें कुछ इस तरह से मोती को टाक लेना है। ठीक है, मैंने तीन मोती टाक लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम पूरे में मोती टाक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में मोती टाक लिए हैं, इसमें हमें प्लेट डाल लेनी है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज का बैक नेक गले का डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा हमारा गले का डिजाइन बना है, इसमें हमें डोरी को भी लगा लेना है। तो इसी तरीके से आप भी ब्लाउज में बैक नेक गले की डिजाइन बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।